गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर आपके सामने आई हूँ। टुआ का तबीयत पहले से थोड़ा सा बेहतर है, रिकवरी थोड़ा थोड़ा हो रहा है उसका। मन भी इसलिए नहीं कर रहा था कि कुछ ब्लॉग दूँ, वीडियो बनाओ, जबकि मैंने प्रॉमिस किया था आप सबको कि मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो दूंगी, कंटिन्यू आएगा, लेकिन मैं दे नहीं पाई। उसका कमजोरी बहुत था, इतना उसका सर्दी खांसी हुआ था, उसका कमजोरी बहुत हो गया था शरीर में, जिसके वजह से वो रास्ता में गिर भी गई थी। गिर के उसका सर पे चोट भी आया, थोड़ा उसका शरीर पे भी चोट आया, तो वो देख के पूरा डर गई मैं। मन एकदम दहल गया था। यहाँ से यहाँ चोट लगा, बाएं तरफ चोट लगा उसका, तो यहाँ से खून निकल, रास्ता में एकदम हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल का सेकंड वाला गेट का सामने वो गिर गई। पूरा गिर के पूरा रास्ता के ऊपर एकदम बेहोश होके गिरी पड़ी है। और तो मैं तो पूरा तुरंत और मतलब रोना धोना शुरू। सब पब्लिक जो थे सामने आमने सामने, सबने हेल्प किया करके उसको घर में लाई, फिर मेडिसिन वगैरह करवाई, तुरंत उसका प्रेशर भी चेक करवाया, तो उसका प्रेशर पूरा लो हो गया था, प्रेशर फॉल हो गया था पूरा। तो उसी वजह से और मैं पैनिक हो गई, वो भी यार उसके लिए मैं कर रही हूँ पूरा दिन भर उसका पीछे, एकदम कुछ भी मतलब उसको करने नहीं दे रही हूँ। मेडिसिन तक उसका हाथ में दे रही हूँ, कहीं वो मेडिसिन लेते पानी लेने टाइम गिर जाए, फिर कहीं फिर दोबारा से मुश्किल हो जाएगा। सर में चोट लगा तो कट गया है, वहाँ से खून निकला, वो खून देख के मैं तो और डर गई पूरा। तो इसका बीच यही सब हो रहा था। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि नहीं मैं डेली ब्लॉग दूंगी, कंटिन्यू करूंगी, लेकिन फिर दो दिन उस दूसरा दिन ही एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, इसी बीच हुआ है, मैं डेट बता दूंगी। अभी सारा चीज़ मैं भूलने लगी हूँ, अभी सारा ध्यान सारा ख्याल जो है टुआ का पीछे मैं लगा रही हूँ, तो बाकी सबका मैं भूल गई हूँ। लास्ट वीक ही हुआ था ये चीज़। तो आज टुआ खुद बोली, मम्मी इतना दिन गैप हो गया है, तुम्हारे दोस्त लोग, सहेली लोग, भाभीया लोग फोन कर रहे हैं, तुम सब ऐसे ही बहाने दे रही हो, खाली मेरा तबीयत खराब तबीयत खराब, और होते रहता है लाइफ में। तुम जो है कंटिन्यू करो, आज कुछ भी तुम शूट करो, कुछ भी बोलो, लेकिन तुम कैमरा तुम ऑन करके अपना मन का बात शेयर कर दो सबके साथ। तो वही बात सच कर रही हूँ, मन का बात शेयर कर रही हूँ। जो हम लोग वही पुष्पांजलि देने गए थे अष्टमी पूजा में, उसके बाद टुआ घर में पूरा कैद। मैं 2-3 बार निकली थी बिजनेस के लिए, सारा चीज़ उसको है LIC का, तो वो दो भी देखना है, महीना पूरा निकल गया है, सब अब पैसा दे चुके हैं और मेरा पास पैसा है और मैं जमा नहीं करूँगी, वो लोग रसीद मांग रहे होंगे। तो ये सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने 2-3 बार घर से मैं निकली थी। टुआ थोड़ा बेटर है, मन भी मतलब हो रहा है कि हाँ आपसे खुल के बात करूं, जो हुआ सब आपको बताऊं। अभी 10:40 हो गए हैं, दिख रहा है 10:40 हो गए हैं। मेरा घर का सारा काम हो चुका है, खाली रसोई करना बाकी है, और थोड़ा सा कपड़े मैंने भिगोए थे जो 2-3 दिन से जमा हुआ है, गर्म पानी करके थोड़ा उसको मैं भिगा दिया हूँ सर्फ में, उसको खाली धो के मुझे सुखा देना है और रसोई करना है। रसोई में क्या करूँ नहीं करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो खा नहीं रही है, तो बोलता नहीं मम्मी ये नहीं करो, नहीं वो करो, सोचना पड़ रहा है कि क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ। दाल भात तो बनेगा ही, पपीता दूंगी उसको सीजने के लिए, पपीता चोखा, ये तीनों तो कन्फर्म है। उसके बाद मेन सब्जी जो क्या बनाऊंगी वो अभी तक ठीक नहीं कर पा रही हूँ कि क्या बनाऊँ कि उसको अच्छा लगे, वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में थोड़ा चावल खाए, तो वही मतलब दिमाग में चल रहा है। और सलाद, सलाद उसको पसंद है, सलाद तो बनाऊँगी ऑब्वियसली, एक प्लेट करके सलाद, उसमें आपका खीरा, गाजर, टमाटर, और बस यही थी। दोस्तों आप सब कैसे हैं बोलिए, बीच में लक्ष्मी पूजा पार हो गया और मैं कहीं भी नहीं जा पाई। मैं तो पूजा घर में, लक्ष्मी पूजा मैं करती नहीं हूँ ऐसे घर में, मेरा जो डेली का जो रूटीन का जो मेरा पूजा है मैं वही कर देती हूँ, कोई एक्स्ट्रा से मैं पूजा कि ये त्यौहार है ये करना है वो सब बिल्कुल नहीं है, सिंपल सा जो है मेरा गुरुदेव है। तो अभी नहा रही है टुआ, और इसी मौके में इसी बीच मैंने कैमरा ऑन कर लिया आपसे 8 बजे के लिए।
थोड़ा बातचीत करने से, आप लोग मुझसे थोड़ा बात करने से, मैं अपना दिल का बात रखने से मेरा मन भी हल्का होगा, आप सबको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे मालूम है सब वीडियो खोज रहे हैं स्क्रीन में, लेकिन मिल नहीं रहा है, मुझे भी बहुत ख़राब लग रहा है। तो चलिए दोस्तों, खाना क्या बनाते हैं, रसोई क्या करते हैं, आपको ज़रूर दिखाते हैं और आप लोग देखिएगा। दोस्तों आज दोपहर में लंच में पनीर बनने वाला है। अभी कुछ तो खाना है, सब्जी बनाना है। बहुत सोच समझने के बाद पनीर थोड़ा सा लाई हूँ, सामने दुकान से मैं लेके आई, तो थोड़ा लगेगा कि हाँ नॉनवेज खा रही हूँ। वैसे तो खाना गले के नीचे से पार होता नहीं है, पूरा सादा सादा मेरा हो भी जाएगा, टुआ का नहीं होता है। तो टुआ के लिए थोड़ा सा पनीर लेके आया हूँ, इसको मैं मुझे मन भी था पनीर का, इसको क्यूब में काट लेती हूँ। उसके बाद आलू देके सिंपल सा, सिर्फ जीरा और धनिया जो है उसको मैंने पीस लिया हूँ, वही देके, मिर्चा भी नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा एकदम एक चम्मच तेल से सब्जी जो है बनाना है। और भात मेरा हो गया है चावल, उसमें मैंने पपीता दे दिया था काट के, जो पपीता तीन हिस्सा मैंने दे दिया काट के, एक हिस्सा मैं रखी हूँ, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। अभी उसके लिए खाना है पपीता चोखा, पनीर का सब्जी और दाल, भात, सलाद। बस आज का यही लंच मेनू है। आपको बताया था, मैंने कहा था कि बताऊंगी, मैंने बता दिया, नहीं सॉरी चाकू इस तरफ करके। बीमार होने से गाइस पहले सवाल यही आता है कि क्या खाए और क्या नहीं खाए, क्या दे क्या नहीं दे, यही एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना। पेशेंट को क्या खिलाया जाए क्या नहीं खिलाया जाए, जबकि इतने सारे रेसिपी है, इतने सारे पकवान है, लेकिन बीमारी का टाइम समझ में नहीं आता क्या दे नहीं दे। थोड़ा सा मैं रख देती हूँ, ये 75 ग्राम जो है मैं लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी, तो उसमें से भी मैं थोड़ा सा रख रही हूँ। इतने थोड़े से मैंने बनाऊंगी, दो आलू देके हो जाएगा। सारा चीज़ जो देना है एकदम थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में टुआ को भी देना है, क्योंकि एक साथ सारा हजम भी नहीं कर पाएगी, दूसरा प्रॉब्लम हो जाए, गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा। ढक देती हूँ इसको, इसको पैकेट करके फ्रिज में, इसको फ्रिज में पैकेट बांध के फिर रख दूंगी, एक दिन हो जाएगा या फिर कुछ कर लूंगी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। 5-6 दिन से टुआ का तबीयत खराब हुआ था, तभी मैं कलेक्शन के लिए गई थी, मतलब LIC रिन्यूअल कलेक्शन के लिए मैं गई थी, तो एक गांव पड़ता है वहाँ मुझे दिया था कुमरा साग, तो इतना लोप लगा था उसका, जो एकदम पहले वाला हिस्सा जो है लावर कोची कोची डोगा जिसको बोलते हैं डॉग, एकदम गाज का जो एकदम अगला वाला हिस्सा बहुत कोची कोची था, तो मुझे दिया था। उसको मालूम है कि मुझे पसंद है लाऊ साग कुमड़ा साग, तो वो दीदी जो है अनिता दीदी, उनका नाम भी अनिता है, मेरा जो है और एक दीदी है सहेली है उसका नाम भी अनिता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्लियर कर दिया हूँ। ये अनिता दीदी जिसको मैं बोल रही हूँ आदिवासी है, और मेरी एक सहेली है वो बंगाली है, उसका नाम भी अनिता है, तो वही अनिता दीदी मुझे दिया था कुमड़ा साग, मैं काट के रखी थी उसी दिन, मैं रात को काट के रखी थी, तो
और टुआ का दूसरा दिन ऐसे हो गया, तबीयत इतना खराब हो गया और मैं बनाई नहीं। काट के पॉलिथीन में करके मैंने, अभी भी अच्छा है। उस दिन का बाद आज मैं पॉलिथीन खोला, मैं पॉलिथ काट के पॉलिथीन में भर के मैंने रख दिया था। ये इसका जो चौचौरी है कुमड़ा का साग, एक गोटा कुमड़ा भी मैं लाई थी। षष्ठी का पहले दिन मैं ये कुमड़ा लाई थी, 10 रुपये में एक कुमड़ा मुझे मिला था, कच्चा था, अभी पक गया इतना दिन में। एक कुमड़ा का साग, फिर पपीता, तो ये एक हिस्सा पपीता मैंने रखा, एक पपीता, फिर एक आलू, आपका बोरी, सब देखे एक चौचौरी जैसा मैं बनाऊंगी। मैं सोचा हूँ तो उसको निकाला भी हूँ फ्रिज से, लेकिन फिर एक बैगन, उसमें एक बैगन भी दूंगी। आलू, बैगन, पपीता, कुमड़ा साग, बोरी, देखे एक रेसिपी, जो चौचौरी का रेसिपी बंगाली में बहुत ट्रेडिशनल रेसिपी है चौचौरी। बहुत मन है खाने का, लेकिन मैं बनाती हूँ कि नहीं देखती हूँ। पहले इसे पनीर का सब्जी जो है, पनीर का सब्जी कंप्लीट कर लूँ, टुआ को टाइम लूँ, मैं लंच दे दूँ, उसका बाद बनने में टाइम नहीं लगता। साग है तो जल्दी बन भी जाता है, गल भी जाता है। पहले ये वाला सब्जी मैं बना लूँ, उसको दे दूँ लंच, उसको टाइमली पूरा देना है। देरी भी हो गया है, भैया भाभी आए थे, शेनमुख के भैया भाभी, उनका बेटा जो है मोहन, वो भी आया हुआ है स्कूल से दीदी को देखने, टुआ दीदी को देखने आया है। तो भैया भाभी भी आके देख के उसको घर गए। मोहन बोला कि मैं थोड़ा देरी दीदी के पास रहूँगा थोड़ी। चलो ठीक है, बैठो, दीदी के साथ बातें करो, उसको भी अच्छा लगेगा। पोच बना के दूंगी, अगले बार भी आया था वो, मैंने कुछ नहीं दे पाई, कुछ था भी नहीं घर में और सिंपल सा था मेरा। उसको देखे आती हूँ पोच। शैन गुप्ता अंकेल फोन করছে, আরে না একটা পোচ খাও, ডিমের পোচ। কে বাবা মনে ফোন করছে বাড়ি যাওয়ার জন্য। আমি তাড়াতাড়ি ডিমটা খে, হ্যাঁ না কথা বলে না। আঙ্কেলি সবজি বানেগা তো একদম হালকা সা তেল, এক চামচ জায়সা তেল, উসি মে মুঝে সারা জো হ্যায় বানানা হ্যায় সবজি। पनीर को फ्राई कर लेते हैं, हल्के से थोड़ी सौते कर लेते हैं। तो दाल हो गया है,
भूख लग गया है, मैंने मसाला डाला आलू में, उसको वही स्मेल में थोड़ा वहाँ सीधे पे गया थे, उसका टाइम भी ओवर हो गया, उसको टाइम भी देना है। पहले क्या होता था, इधर उधर दो तीन बार चाय ये सब के चक्कर में फिर मैं अपना एलआईसी का हिसाब लेके बैठती थी, रजिस्टर लेके बैठती थी, तो देरी होता था, बहुत ही देरी, दो अढ़ाई बजे हम लोग लंच करते थे, और उसको भी देती थी क्योंकि वही 11-11:30 बजे वो भी नाश्ता करती थी, तो 1 बजे ऑब्वियसली भूख तो लगेगा नहीं, वो भी 2-2:30 बजे ऐसे खाना खाती थी। तो वो चीज़ को अभी सुधारना है, रेक्टिफाई करना है वो चीज़ को, कि टाइमली लंच डिनर जो डिनर जल्दी कर लेते हैं हम लोग, 9:30 को भी हम लोग थोड़ा सा टमाटर जो है उसको दे दिया हूँ, बैठ गया है खाने, भात है, पपीता चोखा, मसूर की दाल पतला एकदम, मसूर की दाल, आलू पनीर की सब्जी, हल्का मसाला देके, ये आपका कैमरा में शायद लग रहा है बहुत ब्राइट है लेकिन पूरा येलो है, रेड नहीं है, ये सलाद है, बस यही उसका लंच है आज का, वो कर लेगी, मेरा थोड़ा सा काम बाकी है, उसके बाद मैं करूँगी। अपना लंच लेके बैठ गई हूँ, टुआ का हो गया, आप लोगों ने देखा टुआ को मैंने क्या क्या दिया लंच में, और मैं भी अपना लंच सजा के लेके आई हूँ, बहुत दिनों के बाद आज मैं थोड़ा अच्छा खाऊंगी, क्योंकि टुआ आज अच्छे से थोड़ा सा ज़्यादा खाई, क्वांटिटी में बहुत चाव से आज खाई हो, देख के अच्छा लगा, तो आज मैं भी अपना जो है लंच सजा के लेके आ गई। देखिए मेरा डिश में मेनू में क्या क्या है आज, पपीता चोखा, और जो मैंने बताया था इसको बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी कन्फ्यूजन था, तो मैंने फाइनली इसको बना लिया, चौचोरी, कुमड़ा साग का चौचुरी, इसमें कुमड़ा साग, उसका डंठल, फिर गाजर, मूली, कुमड़ा, पपीता, आलू, और वही आधा जीरा और धनिया जो पीस के रखा था टुआ का लिए सब्जी के लिए, तो वही मैंने इसमें डाल के बना लिया, और दाल, एक ऑमलेट और पनीर आलू का सब्जी, मेरे मेनू में आज ऑमलेट और ये चौचुरी एक्स्ट्रा, और टुआ छोड़ गई है, ये वाला खाई नहीं टुआ, मेरे लिए बचा के रखी, देखिए ये सलाद मेरे लिए हो गया अभी, तो आज मैं सजा के बैठ गई हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं स्पाइसी खाने वाला हूँ, क्योंकि टुआ के लिए मैं भी नहीं खा रही थी, तो आज उसको देखा बहुत अच्छे से खाई, तो मैं भी अपना लेके बैठ गई हूँ, प्याज है, प्याज भी है, 2 प्याज, तो मैं अपना लंच कम्प्लीट कर लेती हूँ दोस्तों, आप लोग भी कर लीजिए, कोई नहीं किया हो तो, 2 बज चुके हैं, पहले पपीता चोखा, टुआ को नॉनवेज अभी पसंद नहीं हो रहा है, खा भी नहीं रही, थोड़ा पैनिक हो रही है, तो मैं भी नहीं खा रही थी, और फ्रिज में अंडे पड़े पड़े सड़ रहे थे, तो मैंने भी एक ऑमलेट बना लिया है ना, पड़े पड़े भी फ्रिज में खराब होता है कि नहीं दोस्तों, मैंने अपने लिए ऑमलेट बना लिया है, पपीता चोखा बहुत टेस्टी लगता है, थोड़ा सा तेल, बारीक बारीक प्याज, सरसों तेल और थोड़ा सा मिर्चा लेके, अभी दाल चौचुरी उसके साथ खाऊंगी, चौचुरी मस्त बना है, लंच उसके बाद शाम को मिलते हैं आपसे। गुड इवनिंग गाइस,
शाम के 5:30 बज चुके है ना टुआ, 5:30 या 6। टुआ के लिए सूप बन रहा है, क्या सूप है? स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न सूप दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। बनाना बहुत ही आसान है, पानी उबल जाए पैकेट काट के इसमें डाल दीजिए। मैं बहुत पहले लाई थी इंस्टेंट सूप, इस टाइप का बना है दोस्तों। ये मेरा चाय है, चाय का पानी मैंने चढ़ा दिया, इंडेक्स में बना रही हूँ। टुआ बोल रहे हैं घोड़े बेच के सोने वाले, नहीं घोड़े बेच के नहीं सोए थे, घोड़े बेच के सोना अलग होता है, तसल्ली का नींद। डेली सोती थी और एक तो माइंड में चिंता लगे रहता था, पता नहीं वो सोई कि नहीं, वो पैनिक हो रही कि नहीं है, मुझे बता नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है अंदर। लेकिन आज वो भी सोई है, तसल्ली का नींद मेरा भी हुआ है। तो उसको सूप बना के दे दिया हूँ, मेरा चाय बन रहा है, अभी बनेगा फिर पॉपकॉर्न, वही वाला पॉपकॉर्न। अभी 5 बजे ही अंधेरा हो जा रहा है। मेरा वही टूटा फूटा चाय छल्ली, खरीदना हुआ नहीं, छोटा चीज मुझे याद नहीं रहता है खरीदना। और भी नहीं रहा आज तो, कॉर्न सूप के साथ पॉपकॉर्न, सारे कॉर्न के आइटम बन गए आज दोस्तों। टुआ के लिए शाम का नाश्ता सारे कॉर्न, इसको मैं डाल देती हूँ। पसंद है, खा के एंजॉय करती है, मैं इसको बना के एंजॉय करती हूँ। मैंने अपना चाय ले लिया, चलिए चाय पीते हैं। चाय के साथ आज एक टाई लूंगी, मुझे भूख लग गई, एक बिस्किट ले लूंगी। टुआ का सूप, टुआ दिखाओ सूप अपना खा रही हो, लाइट क्यों नहीं जलाई वाली, जलाओ लाइट। सूप अच्छा लग रहा है? चोर पर फिर ज़्यादा ज़्यादा हेल्दी खाना हजम नहीं होता हमें। बोल पॉपकॉर्न रेडी, अभी टुआ खाई। एक हाथ जल गया है, मैं इंडेक्स में बनाया, ये हाई फ्लेम में एकदम देख के बनाने से ठीक है, कि साथ सारे जो है खिल जाएंगे, फूट जाएंगे, फूट जाएंगे, ये फूट जाएंगे। अच्छा ये फूटता ही है, ये पॉपअप करते हैं, पॉपअप करते हैं, फूटता है, हमारे भाषा में फूट जाता है। ठीक है चलो, ज्यादा नहीं जला है, एक हाथ जल गया है ऐसे। ये जो कौन ए इंडेक्स में का कोई मत कीजिए, इसको बनाइए मत, मैं गैस बचाने का चक्कर में मैं इंडेक्स में बनाया। ऑनेस्ट रिव्यू, हम ये नेक्स्ट लाइन ऑनेस्ट रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। और मेरा टाई आधा हुआ, आधा नहीं, चाय भी आधा। तुम खाओ पियो सूप, इसका दिखाओ सूप और पॉपकॉर्न, नाश्ता कर लो, बढ़िया नाश्ता। आज दिन भर मैंने क्या क्या किया आप सबके साथ मैंने शेयर किया, बस उसका नाश्ता भी ये हो गया। मेरा चाय यहाँ पीछे, आधा टुकड़ा बिस्किट, एक ही बिस्किट लिया था, टुआ सूप और वेज कॉर्न सूप और पॉपकॉर्न दोनों ही खा रही है। रात का मेनू तो वही है और अलग से कुछ बनाना नहीं है, डिनर वही हम लोग का हो जाएगा। बहुत दिन बाद आज कैमरा मतलब पकड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, बहुत सारा बात भी आज कर लिया, वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा,
तो आज मैं यही ऐड करती हूँ। टाटा बाय बाय, धरो टाटा बाय बाय सबको। सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।